क्लास में हम लोगों ने ये चीज सीख ली थी कि किस तरीके से मेटल्स के अंदर में मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखो, वैसे तो आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के बैठे हो, ठीक है, डोंट यू? मेरे को तो पता है कि तुम बैठे हुए हो। आपको ये भी आता है कि मेटल्स के अंदर में मेलिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली चीज़ें। सो आप उन सारी चीज़ों से कुछ ऐसा नहीं है कि अनअवेयर हो, आपको वो सब पता है। नाउ वी आवर प्राइम फोकस इज कि वो प्रॉपर्टीज आखिर जो आपने बचपन में पढ़ी है वो आखिर ऐसी क्यों होती हैं। तो देखिए, एक एक करके पहले प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपने अपने बचपन में पढ़कर आए हो, दैट प्रॉपर्टी इज अबाउट मैलिबिलिटी एंड इज अबाउट डक्टिलिटी। बराबर कह रही हूँ मैं? जब तुम छोटे थे तो तुमने मैलिबिलिटी और तुमने छोटे में अपनी डक्टिविटी भी पढ़ी है। अब ये जो मैलिबिलिटी है या जो डक्टिलिटी है, इसके डेफिनेशंस तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएंगी अपनी टेक्सट बुक वगैरह में। सो देयर फॉर वी आर नॉट मूविंग और हेडिंग टुवर्ड द डेफिनेशन पार्ट, वी आर थिंकिंग अबाउट द कंसेप्ट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने अपने बचपन के दिनों में पढ़ी है वो ये होती है, सबसे पहला पार्ट ये कि डक्टिलिटी। अब ये जो बला है डक्टिलिटी, ये क्या है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल है, अगर आपके पास कोई भी मेटल है और आप उस मेटल को अगर आप वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। अगर हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, देन दैट फेनोमेना, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। आप लोगों के पास जो मेटल्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, बट उन सारे मेटल्स में से जो बेस्ट डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है, अच्छा, वो आप लोगों का होता है कौन सा वाला, बताओ जरा? वो होता है आप लोगों का कौन सा वाला? दैट इज गोल्ड, ठीक है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड को हम लोग बेस्ट डक्टाइल मेटल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गोल्ड के बारे में एक बहुत ही प्यारा सा हमारे पास जीके फैक्ट है कि जो गोल्ड होता है, अगर आपके पास, ये जीके फैक्ट है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक जीके फैक्ट है कि अगर आपके पास, मान लेते हैं, 1 ग्राम गोल्ड है और 1 ग्राम गोल्ड को आप अगर वायर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप उससे कम से कम, मिनिमम या अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर लेंथ की आप क्या कर सकते हो? गोल्ड वायर क्रिएट कर सकते हो। सोचो, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर बराबर 2 किलोमीटर तक की वायर आप क्रिएट कर सकते हो। ये गोल्ड की स्पेशलिटी होती है। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज डक्टिलिटी। ये तो हमने बच्चे नहीं पढ़ा है। अच्छा, अब ये डक्टिलिटी आखिर हुई क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसको देखना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। एक और होती है आपकी बचपन की सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैलिबिलिटी। अब इसका मैलिबिलिटी का मतलब क्या है? मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल है और उस मेटल को अगर आप शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हो, देन इट इज़ नोन एज मैलिबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि वो जो शीट है वो आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल, याद करो तुम लोगों की मम्मियाँ टिफ़िन में जो खाना पैक करके देती हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉइल होता है, ठीक है, और ओके, तो वो एक आपका एग्जांपल हो गया शीट का। जो दुकान में लड्डू खरीदने जाते हो, स्पेशली मोतीचूर के, उसके ऊपर सिल्वर का क्या रहता है, फॉइल लगा हुआ रहता है, दैट इज़ आप लोगों का एक एग्जांपल हो गया शीट का, मैलेबल शीट का, है ना। वैसे मैं एक बात तुम्हें बता दूं, आप लोगों का जो ये एल्यूमिनियम फॉइल में जो खाना पैक करने वाली जो प्रैक्टिस है ना, इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, ठीक है, बिकॉज एल्यूमिनियम अपने अंदर से ऐसे कुछ गंदे केमिकल्स कैसे, कुछ कार्सियोजेनिक चीज़ें सीक्रेट आउट करता है, स्पेशली जब हॉट फूड उसके कॉन्टैक्ट में रहता है, तब कि अगर आप उस फूड को कंज्यूम करते हो, दैन इट विल कॉज अ कैंसर, ठीक है, इट कैन कॉज अ कैंसर, ठीक है। अच्छा, सो देयरफोर इट इज़ वेरी बैड।
तो ये आपके पास इकलौते दो एग्जांपल है, ऐसा नहीं होता, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे तुम्हारे घर में लोहे की अलमारी होगी, उस लोहे की अलमारी में लोहे की शीट होगी, वो दिखती ना पतली पतली शीट्स, तो जो पतली पतली शीट्स है वो भी मैलेबिलिटी का एक एग्जांपल है। तो आपकी हर चीज़, ठीक है, आपकी हर चीज़ एकदम एल्यूमिनियम फॉइल के जैसे पतली हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी मोटी भी हो सकती हैं, राइट, वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बराबर। जैसे तुम्हारे घर में जो ड्रॉर्स है उनमें जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो तुमने देखा है कैसी होती है, पतली। लेकिन जो घर का मेन डोर दरवाज़ा है, क्या वो तुम्हारा पतला रहता है क्या? नहीं ना। इट मीन्स क्या लकड़ियाँ पतली आती हैं, इट मीन्स क्या लकड़ियाँ मोटी आती हैं, डिपेंड्स कि हम कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं। तो कभी भी अगर आप किसी भी मेटल को कन्वर्ट कर सको थिन शीट में कन्वर्ट कर सको, चाहे शीट मोटी हो कि चाहे शीट पतली हो, ठीक है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैलेबिलिटी, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों की? मैलेबिलिटी। तो ये मैलेबिलिटी भी आप लोगों की मेटल्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स के साथ कैसा होता है? आपने नॉन मेटल को अगर हैमर किया, ठीक है, कि चलो नॉन मेटल को हैमर करते हैं और इसको वायर मतलब अपनी शीट में कन्वर्ट करते हैं, तो होगा ये कि जो नॉन मेटल है ना वो टूट जाता है, वो शीट में कन्वर्ट ही नहीं होता, वो टूट जाएगा। टूट जाने के बाद अगर आप उसको मानेंगे थोड़ा हैमर करोगे तो थोड़ा थोड़ा और हो सकता है पतला हो, लेकिन थोड़ी सी हैमरिंग की जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी तब वो क्या होगा, आप लोगों का टूट जाएगा। सो डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी, दीज टू प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन बाय योर मेटल, ये आपके मेटल्स इसको शो नहीं करते, कतई इसको शो नहीं करते हैं, ठीक है। सो मैलेबिलिटी आपके नॉन मेटल्स का एग्जांपल नहीं हुआ, ठीक है, आपके नॉन मेटल्स का एग्जांपल नहीं हुआ। आपके बहुत सारे मेटल्स मैलिएबल हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है ना, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, राइट। आपके घरों में तवा होता है, तवा लोहे का तवा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो तवा है वो तवा कैसे बनता है? ज़रूर लोहे को पीट पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट किया गया होगा। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द मैलिएबल मेटल्स, बट जो उनमें सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं आपके पास गोल्ड, और दूसरा आपके पास होते हैं सिल्वर। दीज आर द बेस्ट मैलिएबल मेटल्स यू हैव, ठीक है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं, तो इन्हीं रीजंस की वजह से आप इन लोगों को यूज़ करते हो। फॉर विच पर्पज़? फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। गोल्ड और सिल्वर हम लोगों के पास बेस्ट आप लोगों का मैलिएबल मेटल होता है, लेकिन आखिर कोई भी चीज़ आपके मैलिएबल होती क्यों है, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है? तो देखो, उसका रीज़न हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आपके पास, लेट्स इमेजिन, ये एक डायग्राम है, दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको बीच में पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं, ओप्सो दिख रहे होंगे। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव आयंस आपको दिख रहे हैं, ये कौन है? अभी अभी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के भाग जाता है तो कैटायन होता है। तो वो पॉजिटिव रेड कलर से जो दिख रहे हैं वो कौन है? कैटायंस है। उनके आजू बाजू देखो, वो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो वो उनके इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से भाग गए। यानी कि पहले न्यूक्लियस माना कि कमज़ोर फोर्स लगा रहा था, बट कुछ तो फोर्स लगा रहा था, अब तो कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहा। अब तो इलेक्ट्रॉन एकदम खुले सांड के जैसे भाग रहे हैं, एकदम खतरनाक, ठीक है, इधर उधर। तो बेसिकली उनके बीच में क्या हो गई? एक मेटालिक बॉन्डिंग उनके बीच में एग्जिस्ट कर रही है। अब तुमने मारा हथौड़ा, ठीक है, ये लो, अपन हिट कर देते हैं मेटल प्लेट को हैमर से। तो देखो, जब तुम मेटल प्लेट को हैमर से हिट करते हो तो क्या दिख रहा है? कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या रहा है? जैसी आपने हैमर से उस पर्टिकुलर मेटल प्लेट को हिट किया, तो जब हैमर उसकी सरफेस पे हिट होता है तो उस सरफेस पे आप लोगों के पास जो कैटायंस होते हैं, देखो अभी ये कैसे दिख रहे हैं आप लोगों के, एकदम सीधे 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 दिख रहे हैं, बराबर। ये भी आप लोगों के कैसे दिख रहे हैं? एकदम सीधे सीधे दिख रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ही आपने इस पे हैमर हिट किया, क्या हुए? वो उस हैमर ने प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर से वो क्या होते हैं आप लोगों के? कंप्रेस होते हैं नीचे की तरफ,
उनके बीच के मेटालिक बॉन्ड टूटते हैं, बराबर उनके बीच के मेटालिक बॉन्ड टूटते हैं, और जब हैमर करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, बॉन्ड टूटते जाते टूटते जाते टूटते जाते, और फाइनली उनकी शेप ऐसी हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है, उनकी शेप क्या हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है। सो देयर फोर वी कैन से, ठीक है, सो देयर फोर वी कैन से दैट कि आप लोगों के पास ये जो मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स के अंदर में कुछ इस प्रकार का सीन होता है। हैमरिंग करने से पहले सारे आपके अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट होता है, सारे कैटायंस प्रॉपरली अरेंज होते हैं, उनके आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं, और जब आप हैमर कर देते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देखो इस तरीके से क्या कर लेते हैं आप लोगों की, मूवमेंट कर लेते हैं, अलग खिसक जाते हैं, अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, और क्योंकि वो अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, मेटालिक बॉन्ड जो उनके बीच का रहता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। सो देयर फोर वो और पतले 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 शीट्स में क्या होने लगते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड द प्रॉपर्टी शोन बाय मेटल्स ऑफ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, बराबर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों के पास क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी हीट की भी हो सकती है और कंडक्टिविटी आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी की भी हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ हीट, वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ हीट। एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप उसको समझें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या बोलना जा रहा है आपको, आपके पास चूल्हा है, यू नो ना चूल्हा क्या होता है, चूल्हे पे आपने लकड़ी, लेट से आप जला रहे हो, अब लकड़ी एक तरफ से जिस तरह से उसका मुंह अंदर था वहाँ से क्या कहते हैं आपके वो हो गए, जल गए, ठीक है, और लेट से दूसरी तरफ से नहीं जली, ठीक है, लेट से दूसरी तरफ से वो नहीं जली। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, आप लकड़ी को होल्ड करोगे आउटर एंड से और आप उस लकड़ी को टर्न करोगे कि अब तुम वहाँ से जलना शुरू हो जाओ, बराबर कह रही हूँ मैं, हाँ, ठीक है। या फिर अगर किसी के घर में वो बारबेक्यू है या कोई अपने घर में वो लेट से वो चिकन, तंदूरी चिकन जैसी चीज़ें बनाता है, तो चिकन में जिस स्टिक को लगाया जाता है ना, वैसे तो वो लोहे की होती है, उसके भी जाने दोस्त में हम चिकन में नहीं जाते, तो ये चूल्हे में हम लकड़ी को पकड़ते हैं और बड़े मज़े से उसको घुमाते हैं, हमें कभी भी लकड़ी गर्म नहीं लगती। लेकिन अगर उसी लकड़ी की जगह वो सही में वो चिकन वाला डंडा होता जिसमें चिकन लटक रहा है और उसको तुमने बिना ग्लव्स पहने डायरेक्ट अगर होल्ड कर लिया होता, तो ऐसे में क्या होता, तुम्हें गर्म लगता, तुम्हें हीट फील होती हाथ में। ऐसा क्यों, बारबेक्यू वाला डंडा भी हीट के कॉन्टैक्ट में, लकड़ी वाला डंडा भी हीट के कॉन्टैक्ट में, तो क्यों लकड़ी वाले डंडे के अंदर आपको उसको टच करने पे आपको हीट फील नहीं हो रही हो, क्यों बारबेक्यू में जो स्टिक है, ठीक है, जिस पे आपका वो चिकन रोस्ट हो रहा है उस वाले डंडे को छूने पे आपको क्यों गरम गरम फील हो रहा है। रीज़न ये होता है कि जब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म मेटल्स, तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में होता क्या है कि आपके पास लेट्स इमेजिन ये एक पार्टिकल है, मेटल्स के पास लेट्स इमेजिन ये दूसरा पार्टिकल है, मेटल्स के पास मान लेते हैं ये तीसरा पार्टिकल है, मेटल्स के पास मान लेते हैं चौथा पार्टिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर क्लोज, दूसरी बात हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, कंडक्ट होती कैसे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अपन हीट पे बात करते हैं, ठीक है, अपन हीट पे बात करते हैं कि क्यों आपके मेटल्स हीट को कंडक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि मान लेते हैं मैंने यहाँ से हीटिंग शुरू की, मैंने यहाँ से उसको गरम गरम एनर्जी देना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं ये गरम गरम एनर्जी उस पर्टिकुलर मेटल के एटम को मैं देती हूँ, तो अब ये एनर्जी जो मैं सप्लाई कर रही थी, ये एनर्जी आ गई अब इस मेटल के एटम के अंदर, ठीक है, ये आ गई आप लोगों के इस मेटल एटम के अंदर। अच्छा, और जब ये एनर्जी इस पर्टिकुलर मेटल एटम के अंदर आ गई, तो मेटल एटम के अंदर में ये एनर्जी आ जाने के बाद अब क्या होता है, मेटल उस एनर्जी को ले लेता है, अच्छा सॉरी एटम उस एनर्जी को ले लेता है। अब तुम तो जानते हो हर एटम के पास उसके बाजू में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस हीट को ले लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिल जाएगी, तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप हो जाती है? जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो एनर्जी मिल देने के बाद, ठीक है, एनर्जी मिल जाने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास क्या आ जाता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, उसके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और होता क्या है कि उस एनर्जी को लेने के बाद ये जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, ये वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, क्या होने लगता है, जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं सारे के सारे, और जिसकी वजह से होल वो एटम भी वाइब्रेट करता है। अब तुम सोचो, दो लोग चिपक चिपक के बैठे हैं और तुम बार बार मान लेते हिल रहे हो डुल रहे हो, हिल रहे हो डुल रहे हो, तो तुम्हारे हिलने डुलने की वजह से जो बेंच है वो भी हिलेगी, तुम्हारे बाजू का जो पार्टनर है वो भी डिस्टर्ब होगा, वो भी हिलना शुरू करेगा। तो होता क्या है कि जब हमने हीट एनर्जी दी, तो जहाँ से आप हीट एनर्जी दे रहे हो उस हीट एनर्जी के पास में जो पहला पार्टिकल है, वो पहला पार्टिकल उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेने के बाद वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट कर लेने के बाद वो क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट करने के बाद वो क्या करने लगते हैं, अपना जोर जोर से अपनी पोजिशन पर हिलने लगते हैं, और उनके हिलने की वजह से उसके बाजू में जो पार्टिकल बैठा है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है और सॉलिड स्टेट में तुम तो जानते हो सारे पार्टिकल एक दूसरे के कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, तो क्योंकि पहला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से जो बाजू का सेकेंड पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और यही वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर जब दूसरा पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट करता है, तो वो आपका दूसरा वाला तीसरे में ट्रांसफ़र कर देता है, तीसरा वाला चौथे में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रैवल होना शुरू कर देती है, बराबर है। और आपने अगर हीटिंग नहीं रोकी, आप हीटिंग करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो जो पहला पार्टिकल है वो क्या करता रहेगा, आप लोगों की एनर्जी लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, और जैसे जैसे वो एनर्जी लेता जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जितना ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगा उससे ज़्यादा वो बाजू वाले को करवाएगा, बाजू वाला और बाजू वाले को करवाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, और आप लोगों की हीट क्विकली एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में मेटल्स हीट कंडक्ट इसीलिए करते हैं, इसके दो रीजंस हैं, ठीक है, इसके टोटल कितने रीजंस हैं, दो रीजंस हैं। पहला रीज़न, मेटल्स के अंदर, मेटल्स आप लोगों के यूजुअली कौन सी स्टेट में होते हैं, मेटल्स आपके कौन से स्टेट में होते हैं, यूजुअली सॉलिड स्टेट में होते हैं, और क्योंकि वो मेटल्स यूजुअली सॉलिड स्टेट में होते हैं, देयरफोर वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे के कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। और तीसरी चीज, आप एक बार आपका जो एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ इसी क्लोजनेस की वजह से क्या कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, ठीक है। और जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने से क्या होता है, उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और यही एनर्जी ट्रांसफ़र आपके एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे होती जाती है होती जाती है होती जाती है। सो देयरफोर आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ, मेरे पास जो पर्टिकुलर मेटल है, वो पर्टिकुलर मेटल मेरा क्या कर रहा है, हीट कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कंडक्ट कर रहा है, वो हीट कंडक्ट कर रहा है, बराबर है। क्या मेरी बात समझी, बस खत्म। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोगों की, वो ये है कि आपके कोई भी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स के इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने का रीज़न क्या है? तो अभी अभी फिजिक्स में तुमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, तो बेसिकली आपको इस बात का पूरा ज्ञान है कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट है क्या, मुझे वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम दो या तीन तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है आप लोगों का फिजिक्स वाला कंसेप्ट, ठीक है, एक होता है आप लोगों का फिजिक्स वाला कंसेप्ट जो आपने अभी अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, और एक होता है केमिस्ट्री का जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे,
ठीक है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो हाइयर स्टैंडर्ड वाले इसमें हम नहीं जाते, ठीक है। उसका बस मैं एक इंट्रोडक्शन तुम्हें दे दूंगी ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि हम लोग रिपीट कर रहे हैं या फिर रट्टा मार रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होती है जब आपके पास उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला कोई चार्ज कैरियर हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अब आपने क्योंकि फिजिक्स पढ़ी हुई है इसीलिए इस टॉपिक पे मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है दे कैन मूव, ठीक है, दे कैन मूव। अब ये क्यों मूव कर लेते हैं, जरा इस पे बात करते हैं। बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड, ठीक है, विथ न्यूक्लियस एनी मोर, ठीक है, क्योंकि अब वो न्यूक्लियस के फोर्स से अब वो अटैच नहीं है, ठीक है, अब वो ऑर्बिट को छोड़ के भाग चुके हैं। सो देयरफॉर दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। और जब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर, लेट्स से ये कोई मेटल है या कंडक्टर है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है, बराबर। तो बस अगर किसी ने पूछा कि मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट क्यों मतलब अपने अंदर अलाउ करते हैं, तो ड्यू टू द रीजन ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खत्म। ड्यू टू द रीजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, ट्वेल्थ वगैरह में, तो आपको ऐसे भी कुछ टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ पे आप ये सब पढ़ोगे, हाँ, कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए कंडक्ट कर रहा है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए कंडक्ट कर रहा है क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप कम है। बट क्योंकि अभी वो सब आपके सिलेबस में नहीं है तो अपन उसमें नहीं घुसते, अदरवाइज अब मैंने उसको बिल्कुल बताया होता। ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी। पाँचवीं प्रॉपर्टी में आ जाते हैं हम लोग, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों के हाथ में हैं जो हम लोग जान सकते हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सोनोरस, सोनोरिटी। ये प्रॉपर्टी भी तुम लोग जानते हो। ये प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप किसी मेटल को स्ट्राइक करोगे, तो मेटल जब स्ट्राइक होता है तो वो क्या करेगा, प्लीसेंट साउंड क्रिएट करेगा, म्यूजिक क्रिएट करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरिटी, बराबर। इस प्रॉपर्टी को हम लोग हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। दीज आर द टॉप फाइव प्रॉपर्टीज शोन बाय द मेटल्स, ठीक है, दीज आर द टॉप फाइव प्रॉपर्टीज शोन बाय द मेटल्स। एंड द सिक्स प्रॉपर्टी इज लश्चरनेस, ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी हम लोगों की क्या है, आप लोगों की लश्चरनेस। अच्छा, अब ये लश्चरनेस का मतलब क्या होता है, लश्चरनेस का मतलब होता है शाइन, चमकदार, ठीक है, चमकदार सरफेस। ये एक छोटा सा पार्ट मैं इसका एक्सप्लेन करके देती हूँ। मेटल्स लश्चर होते हैं सभी जानते हैं, क्योंकि मेटल्स लश्चर होते हैं इसीलिए हमारे भारत में गोल्ड का कुछ ज़्यादा ही महत्व है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हमारे भारतवासियों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ठीक है, लश्चर, चमक। सिल्वर के अंदर उसकी खुद की चमक है, कॉपर के अंदर चमक है, आयरन के अंदर चमक है, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ना, इन नॉन मेटल्स के अंदर उनकी खुद की कोई चमक नहीं होती, ठीक है, उनके अंदर कोई खुद की चमक नहीं होती। हम उनको चमक प्रोवाइड करते हैं बाय डूइंग सम पेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइक थिंग्स वट एवर, बट उनके पास उनकी खुद की कोई चमक नहीं होती, किसके पास, नॉन मेटल्स के पास। बट मेटल्स हैव लश्चर, ठीक है, आपका जो मेटल्स है, मेटल्स हैव लश्चर। अब आखिर ये जो मेटल्स है इनके पास ये लश्चरनेस आया कहाँ से, उनके पास ये चमक आई कहाँ से, तो देखिए इसको भी आप आगे 11th स्टैंडर्ड में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इसका थोड़ा बहुत पार्ट, या थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अलग अलग जगह पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं एक छोटा सा बताती हूँ फैक्ट क्या होता है। ये आपकी मेटल की सरफेस है, ये आप लोगों की मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस में ये आपके पास एटम है, ये मेटल की सरफेस है, इसके पास एटम है, इस एटम के पास अपन एक रेड डॉट बनाते हैं, ये रेड डॉट मान लेते हैं, सॉरी पिंक डॉट बनाते हैं, ये पिंक डॉट उसका एक इलेक्ट्रॉन है। तुमने क्या किया, इस मेटल की सरफेस पे लाइट एनर्जी आकर गिरी, ये लाइट एनर्जी आकर गिरी। कोई भी चीज़ चमकती कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट, चमक, शाइन, वैसा नहीं चमक रही एकदम ग्लो जुगनू समान, वैसी चमक की बात नहीं कर रही हूँ,
इसके ऊपर लाइट आकर इंसिडेंट हुई, ठीक है, इसके ऊपर लाइट आकर क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में सिखाया जाएगा लाइट कंटेन्स एनर्जी, ठीक है, लाइट कंटेन्स एनर्जी, ठीक है, लाइट के पास क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है, लाइट के पास क्या होता है, एनर्जी होती है। ये एनर्जी उस एटम ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, वो जो एनर्जी आपकी लाइट, एनर्जी ब्रिंग बाय लाइट, आपकी एनर्जी जो लाइट लेकर आ रही थी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया, किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, बाय एटम। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, जब एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब कर लेने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो एनर्जी उनके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हो गई तो ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और ज़्यादा खुश होके वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर भाग जाएंगे, ठीक है, उनका जो अपना खुद का अपना ऑर्बिट छोड़कर भाग गए, अपना ऑर्बिट छोड़कर भाग गए, ठीक है, अपना ऑर्बिट छोड़कर भाग गए। अच्छा, अब अपना ऑर्बिट छोड़ के वो कहाँ भाग जाते हैं, क्या अपनी सरफेस को छोड़कर ही भाग जाते हैं क्या, नहीं, ठीक है, अपनी सरफेस छोड़कर नहीं भाग जाते, वो हाइयर ऑर्बिट में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, हाइयर ऑर्बिट में, हाइयर ऑर्बिट में चले जाते हैं, ठीक है। अब जब वो हाइयर ऑर्बिट में चले जाते हैं तो हाइयर ऑर्बिट में जाने के बाद उस हाइयर ऑर्बिट में परमानेंटली रहने लगते हैं या हाइयर ऑर्बिट में परमानेंटली रहने लगते हैं या नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं थर्ड ऑर्बिट का है तो वो थर्ड ऑर्बिट में ही कंफर्टेबल है, अगर तुम उसको फोर्थ ऑर्बिट में लेकर चले जाओगे तो फोर्थ ऑर्बिट में वो कंफर्टेबल नहीं है। वो क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट में चला तो जाएगा लेकिन फोर्थ ऑर्बिट में चले जाने के बाद वो तुरंत कुछ समय बाद वापस से अपने थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा। इस बात को समझना, ये सारे कंसेप्ट 11th के हैं, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझको ये सारी चीज़ें डायरेक्ट तुम लोगों को प्रॉपर्टीज एक ही वीडियो में बता देना अच्छा नहीं लग रहा था कि ये वो होता है, ये होता है, वो होता है, मान लो बिकॉज क्योंकि ये सारी चीज़ें आप 8th और 9th में ही पढ़ के आए हो, सो डिफरेंस क्या है 10th की पढ़ाई का, इसीलिए बताया जा रहा है। क्या होता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है, अपने ऑर्बिट को छोड़कर जैसे ये n इक्वल टू 2 है मान लेते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 का है तो अपना वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर वो कहाँ चला जाएगा, हाइयर ऑर्बिट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, हाइयर ऑर्बिट में चला जाएगा, और जब वो हाइयर ऑर्बिट में चला जाता है तो क्या वो उस हाइयर ऑर्बिट में परमानेंट रहता है, नहीं, वो हाइयर ऑर्बिट में परमानेंट नहीं रहता, कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए वो इस ऑर्बिट में रहता है और वापस थोड़ी देर बाद वो नीचे आता है, ठीक है, कुछ देर बाद आफ्टर फ्यू टाइम वो रिटर्न बैक, आफ्टर फ्यू टाइम, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, रिटर्न आ जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था तो एनर्जी लेकर गया था, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप बैठे बैठे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं करता है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद जब उसको वापस आना है, वापस से जब वो यहाँ नीचे आना चाहता है तो नीचे आने वाली प्रोसेस में वो क्या करता है, जिस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया था उसी सेम एनर्जी को वो रिलीज करता है, उसी सेम एनर्जी को रिलीज करता है और उसी सेम एनर्जी को रिलीज करता है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस रिलीज एनर्जी की वजह से, इस रिलीज एनर्जी की वजह से हम लोगों को वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शाइनी दिखता है। क्यों दिखता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो किसी वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करती होगी वगैरह वगैरह, वो 11th का पार्ट है, वो मैं नहीं घुस रही, बट कोई भी मेटेलिक सर्फेस क्यों आपकी लश्चर दिखती है, रीजन आपका एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली हेल्ड होता है, थोड़ी सी एनर्जी देने पे वो अपने से हाइयर ऑर्बिट में जाता है, हाइयर ऑर्बिट में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, वापस रिटर्न आता है, लेकिन रिटर्न आने के दौरान वो कुछ एनर्जी क्या करता है, लूज करता है, और जब वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करता है तो वही एनर्जी की वजह से आपकी सरफेस लश्रस दिखती है। क्यों दिखती है, केसलिए दिखती है, उसके अंदर कलर कहाँ से आता है, आर द पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। अभी आपको सिर्फ कुछ हद तक थोड़ी थोड़े तरीके से प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी गई ताकि ऐसा ना हो कि अपन ने पूरा ही रट्टा मार लिया 10th में, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें नहीं लग रहा कि अभी तक तुमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, लस्टरनेस,
ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी एक ही प्रॉपर्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड इनके ही आजू बाजू घूम रही है, इनके ही आजू बाजू घूम रही है. एग्जैक्टली. यानी कि सोचो मेटालिक बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मेटालिक बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, बराबर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब बाकी की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखो बहुत ही सिंपल है, उसमें मुझे तुम्हें कुछ खासा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है. मेटल्स आप लोगों के यूजुअली हार्ड होते हैं, ठीक है. मेटल्स आप लोगों के यूजुअली हार्ड होते हैं, कड़क, ठीक है. पॉइंट नंबर 8, जो चीज़ कड़क होगी उस कड़क चीज़ को यदि मेल्ट करना है, ठीक है, अगर उस कड़क चीज़ को मेल्ट करना है तो ऑब्वियसली उस कड़क चीज़ को मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा देर गैस ऑन करना पड़ेगा. अगर आप ज़्यादा देर गैस ऑन करोगे मतलब आप ज़्यादा एनर्जी दोगे मेल्ट करने के लिए, और अगर आप ज़्यादा एनर्जी दोगे मेल्ट करने के लिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपके उस पर्टिकुलर ठीक है उस पर्टिकुलर चीज़ को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला गया. तो जो चीज़ मेटल्स के यूजुअली जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, आपके हाई होते हैं, क्योंकि मेटल्स आप लोगों के कैसे हैं, हार्ड है, ठीक है. मेटल्स आप लोगों के कैसे हैं, हार्ड है, ठीक है. क्यों, क्योंकि मेटल्स आप लोगों के कैसे हैं, हार्ड है. समझ में आ रही बात, क्योंकि मेटल्स हम लोगों के कैसे हैं, हार्ड है, ठीक है. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो गई, टोटल अभी तक 8 प्रॉपर्टीज़ के साथ डील कर लिए, है ना. अच्छा, अब उसके बाद मेटल्स क्योंकि हार्ड होते हैं, मेटल्स क्योंकि हार्ड होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको जब आप तोड़ने जाते हो तो आपको ज़्यादा मतलब ताकत लगानी पड़ती, ज़्यादा आपको उसको हो सकता है तोड़ना पड़ते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है. तो आप इसको ये कह सकते हो कि जो आपके मेटल्स रहेंगे, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है. मेटल्स आप लोगों के कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. देख लो लकड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि लोहा का रॉड ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना. आप ये लगा सकते हो कि मेटल्स हैव कलर, अलग अलग मेटल्स के अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है. कई मेटल्स में कलर नहीं भी होते हैं, बट बहुत सारे मेटल्स में होते भी हैं. तो मेटल्स हैव कलर, मेटल्स के पास ये कलर कहाँ से आया, मेटल्स के पास ये कलर आप 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे कहाँ से आया, बट राइट नाउ हम नहीं सीखेंगे, ठीक है. अच्छा, उसके अलावा आप एक और 11th नंबर में ये भी डाल सकते हो कि यूजुअली मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, ठीक है. मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है. ये हो गया. सो दीज आर द 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडीड बाय अस. और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है ना उसका उल्टा कर दो तो नॉन मेटल्स की बन जाएगी. जैसे मेटल्स डक्टाइल होते हैं तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं तो नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं, मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, राइट. कुछ भी अलग से पढ़ना नहीं पड़ रहा है. मेटल्स साउंड क्रिएट करते हैं, सोनोरस, ठीक है, सोनोरिटी, तो आपके नॉन मेटल्स नहीं करते. मेटल्स के पास चमक होती है, लश्नेस होती है, तो जो नॉन मेटल्स के पास नहीं होती है खुद की, याद रखना, ठीक है. मेटल्स के पास ये लश्नेस नहीं होती. अच्छा, उसके बाद मेटल्स आपके यूजुअली हार्ड होते हैं. एक मिनट, ठीक है. मेटल्स आपकी हार्ड होते हैं. अच्छा, हार्ड होने की वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है. अच्छा, स्ट्रांग होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, और उन लोगों के पास कलर होता है. कलर उनके पास कहाँ से आता है वो आपको 12th में मिलेगा, बल्कि आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी 12th में मिलेगी जो आपको अभी नहीं दी जा रही है, ठीक है. फिर भी मैंने उसमें से बहुत सारी दे दी क्योंकि मुझे लगता था कि शायद पता होना चाहिए. और इसके अलावा मेटल्स के अंदर में कौन सी वाली बॉन्डिंग एग्जिबिट होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है. बस करो हमारा छोटा सा टॉपिक. तो नॉन मेटल्स और मेटल्स इनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज पगले पड़ते हैं. तुम पगले तो हो नहीं, एक की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ो और बाकियों को उसकी जगह पे क्या करो, आप यूज करो, है ना, उसका अपोजिट कर दोगे तो नॉन मेटल तैयार हो जाएगा, बराबर. अच्छा, अब इसमें ना कुछ एक्सेप्शन है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन का मतलब ये होता है, जैसे हमारा ऋत्विक पढ़ाई तो करता नहीं है, हम मान लेते हैं
एक दिन अचानक से ऋत्विक का हृदय परिवर्तन हो गया और ऋत्विक ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया एकदम तबियत से अच्छे बच्चों के जैसे। तो तुम नहीं बोलोगे यारे आज ये चांद कहाँ से सूरज कहाँ से उग गया या चांद कहाँ से निकल के आ गया, ऋत्विक पढ़ाई करने लगा, ये वो फलाना ढिमका। तो वही होता है एक्सेप्शन, ठीक है, कि किसी दिन ऋत्विक ने अजीबो गरीब बिहेवियर अपना शो कर दिया। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे मेटल्स भी तो हैं जो हार्ड नहीं होते। जैसे एग्जांपल, मैं सॉरी एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ, एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, एक्सेप्शन में आएगा सोडियम। सोडियम आपका इतना सॉफ्ट मेटल है कि आप इसको चाकू से काट सकते हो, ठीक है, किससे काट सकते हो, चाकू से। एक दूसरा होता है आपका गैलियम। गैलियम जो है ये आपको दिखता तो कैसा है, आपको सॉलिड, ये जो आप इसकी बात अगर करोगे रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे आपका जो गैलियम होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे आपने इसको अपनी मुट्ठी में बंद किया ना, अगर आपने इसको होल्ड किया अपनी मुट्ठी में, अपने पाम में, तो आपकी मुट्ठी से या आपकी बॉडी से जो भी हीट एनर्जी होगी ये उस हीट एनर्जी को ले लेगा और ये तुरंत क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये भी एक होता है, तो मेटल्स यूजुअली हार्ड में, ये भी हमें चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, हम बोलते हैं कि मेटल्स के पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका कैसा होता है, हाई। बट अभी मैंने ऊपर में जो दो नाम लिखे, सोडियम और गैलियम, इन दोनों, या फिर एक नाम और होता है सीशियम, एक और होता है सीशियम, बल्कि ना कभी यूट्यूब पे सर्च करना सीशियम के वीडियोस, सीशियम इतना सुंदर दिखता है, गोल्ड से महंगा होता है, ये भी बता दूँ, और लोग फॉरेन कंट्रीज में सीशियम को लेकर इतने प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, देखना जरा उसके यूट्यूब पे बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस हैं, ठीक है। सीशियम आपका भी इसी एक्सेप्शन में आएगा, क्योंकि वो हार्ड नहीं है, और जो चीज़ हार्ड नहीं है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, कम होगा। अब क्योंकि आपके सीशियम, गैलियम, सोडियम ये लोग हार्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली ये लोग फिर आपके स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे, ठीक है, ये आप लोगों के स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे। क्या बातें मेरी मतलब दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोडियम का नाम लिखो, सोडियम के साथ आप बाकी लोगों का भी नाम लिख सकते हो। जैसे बाकियों में किसका नाम आ जाएगा, लिथियम भी आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है, और जो के सिंबल है, के सिंबल किसका होता है, पोटाशियम का, ये भी सॉफ्ट होता है। ये तीनों के तीनों बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि आप इन्हें आसानी से क्या कर सकते हो, काट सकते हो। और यही सारे एग्जांपल आपके नीचे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के एक्सेप्शन में भी आ जाएंगे, कि यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का होना चाहिए ज़्यादा, बट इन 5-6 लोगों का कैसा है, कम है, बराबर है, इन 5-6 लोगों का कैसा है, कम है। अच्छा, मेटल्स को कलर होते हैं, चलो ठीक है, उसके इसमें एक्सेप्शन में मैं नहीं घुस रही हूँ। यूजुअली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। ऊपर में जो मैंने तुम्हें नाम लिखवाए, कौन कौन से लिखवाए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम, सीशियम, वही सारे नाम आप यहाँ पे भी रिपीट कर दो, क्योंकि यही वो गद्दार लोग हैं जो मेटल्स की डेंसिटी हाई होनी चाहिए थी, बट इन सारे मेटल्स की जो डेंसिटी है वो कैसी होती है, लो। इसीलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं, एक्सेप्शन में रखते हैं। देयरफॉर इसको हम लोग कहां पे रखते हैं, एक्सेप्शन में रखते हैं, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कैसी है, लो है, इनकी डेंसिटी कैसी है, लो है, बराबर। अच्छा, तो ये कुछ हो गए हमारे पॉइंट्स, और भी देख लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा ना नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी बातचीत हम किसके बारे में कर लेते हैं, नॉन मेटल्स में। मैंने तुमसे क्या कहा, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी मेटल्स की प्रॉपर्टी के कंपेयर में जस्ट उल्टी कर दो। तो मैंने तुमसे ये वर्ड कहा कि नॉन मेटल्स जो होंगे आपके बैड कंडक्टर होंगे, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लेकिन आपके पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो बैड कंडक्टर नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कौन है भाई ये गद्दार इंसान? तो ये गद्दार इंसान है आप लोगों का कौन, ये है आप लोगों का ग्रेफाइट। क्यों करता है वो भी समझेंगे आगे, बट ये गद्दार इंसान कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलेट्रोप ऑफ कार्बन। एलेट्रोप क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, बट इज एन एलेट्रोप ऑफ कार्बन, ये गद्दार है। ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
अभी हमने क्या बोला था, मेटल स्ट्रांग होते हैं, तो यदि मेटल्स स्ट्रांग होंगे तो ये तो कॉमन लॉजिक है कि मेटल्स के कंपेयर में नॉन मेटल्स क्या होने चाहिए, शुड बी वीक होने चाहिए एज कंपेयर टू मेटल्स। अगर मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर करूं तो नॉन मेटल्स शुड बी वीक होने चाहिए एज कंपेयर टू मेटल्स, किसके कंपेयर में, मेटल्स के कंपेयर में, एज कंपेयर टू मेटल्स। लेकिन इनमें भी एक गद्दार है, अब इनका गद्दार देखो कौन है, ढूंढो इनके गद्दार को, ढूंढो। तो इनका जो गद्दार है वो गद्दार कौन है, इन लोगों का, इन लोगों का गद्दार प्राणी कौन है, इन लोगों का गद्दार प्राणी कौन है, डायमंड। डायमंड आपका एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के बावजूद ये क्या करता है, आप लोगों का काफी हार्ड है, ये क्या है, उनमें काफी हार्ड है, बराबर। अच्छा अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा, नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जब क्योंकि मेटल्स के पास चमक होती है तो ऑब्वियस है आपके जो नॉन मेटल्स होंगे, ये नॉन मेटल्स आपके चमकीले नहीं होंगे, आर नॉट शाइनी। बट इनमें भी एक एक्सेप्शन है, इनमें भी एक गद्दार इंसान रहता है। ये गद्दार इंसान अब कौन है जो नॉन मेटल होने के बाद चमक शो कर रहा है, तो देखो इनमें वो गद्दार इंसान है आप लोगों का आयोडीन, राइट। इनमें वो गद्दार इंसान कौन है, आयोडीन, इवन डायमंड भी है, आयोडीन। आयोडीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी सरफेस मेटल्स के जैसे खुद चमकदार होती है, तो ये वो दो गद्दार लोग हैं जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकते हैं, नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकते हैं, बराबर है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकते हैं। अच्छा ये भी बात समझ में आ गई है। अब हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स के मेल्टिंग और मेटल्स के बॉइलिंग बहुत ज़्यादा होते हैं पॉइंट, तो अगर मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियस है कि नॉन मेटल्स के जो होंगे उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली क्या होंगे, कम होंगे, शुड बी कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बराबर, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होंगे, कम। लेकिन इनमें भी एक गद्दार है, इनमें जो गद्दार है वो है डायमंड। अगेन डायमंड आप लोगों का एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता भी है, जो कड़क भी है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट है भी ज़्यादा, इसका नॉन मेटल का भी क्या है, ज़्यादा। तो ये वो गद्दार लोगों की लिस्ट है, ठीक है, ये वो उन गद्दार लोगों की लिस्ट है जो आप लोग बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोगों, गद्दार लोगों की लिस्ट बना रहे हैं। तो बताओ गद्दार लोगों की लिस्ट में क्या क्या आ गया, एक का नाम आ गया ग्रेफाइट, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बताओ। एक का नाम आ गया डायमंड, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी कड़क है और ऊपर से चमकता भी है, और ऊपर से उसके पास क्या है, आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, बोलो, है ना। अच्छा एक गद्दार की लिस्ट में आया आयोडीन, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी चमक रहा है, बराबर। अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग इसमें आप लोगों के क्या नाम है, ऊपर मेटल्स के इसमें एक्सेप्शन में, मेटल्स हम बोलते हैं स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, बट आप लोगों के पास सोडियम, पोटेशियम, सीशियम, गैलियम, है ना, ये आप लोगों के पास कुछ ऐसे नॉन मेटल्स के नाम है जो सॉफ्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, सॉफ्ट। इवन तुम ये सोचो जो सीशियम है वो तो रूम टेम्परेचर पे तो आपको सॉलिड दिखता है, बट जैसे ही आप उसको अपनी मुट्ठी में बंद करोगे वो पिघल जाएगा, ठीक है, वो पिघल जाएगा। तो तुम ये सोचो मेटल्स बोलते हैं हम हार्ड रहते हैं, बट ये हार्ड नहीं है, ये लोग तो सॉफ्ट है, है ना, क्योंकि अब ये लोग सॉफ्ट है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा होना चाहिए था वो कम होता है। अब क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, इनकी डेंसिटी भी एक्सेप्शनली कम होती है, ये भी एक गड़बड़ी है। अच्छा हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा एक प्रॉपर्टी मैंने मिस कर दी 12वें नंबर की, वो 12वें नंबर की प्रॉपर्टी मैं यहाँ डाल देती हूँ। 12वां नंबर कहता है मेटल्स हैव सॉलिड स्टेट। आप अपने नेचर में जितने भी मेटल्स देखोगे आपको सारे मेटल्स कौन सी फिजिकल स्टेट के दिखेंगे, सॉलिड स्टेट के दिखेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है आप लोगों के इसमें, और वो एक एक्सेप्शन क्या है, वो एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। वो एक एक्सेप्शन कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आप लोगों का इकलौता मेटल है, द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, बराबर, जिसका सिंबल होगा Hg।
अच्छा, हमने नॉन मेटल्स की तो फिजिकल स्टेट के बारे में बात ही नहीं की। तो देखो, नॉन मेटल्स का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो हमेशा सॉलिड होंगे। नॉन मेटल्स आपको गैस भी मिलेगी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। आपको ये सॉलिड फॉर्म में भी मिलेंगे, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, और आपको ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलेंगे। इकलौता नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो आप लोगों का होता है ब्रोमीन। बराबर, कौन होता है? ब्रोमीन। जैसे इकलौता मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है वो कौन है? मर्क्यूरी। और इकलौता नॉन मेटल जो आपके लिक्विड फॉर्म में है वो कौन है? ब्रोमीन। बराबर, इस तरीके से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम लोगों ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा? आप लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट टारगेट? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जब जाएंगे तो हम लोग मेटल्स अलग अलग प्रकार के केमिकल्स के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। बराबर। अच्छा, अब बात आती है डिलीटेड सिलेबस की। तो देखते हैं इसमें डिलीटेड सिलेबस में क्या है। आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो बेसिक मेटलर्जी की प्रोसेस थी वो डिलीट कर दी गई है, और करोजन और उसके प्रिवेंशन वाले टॉपिक डिलीट कर दिए गए। ठीक है, मतलब अभी दिल्ली काफ़ी दूर है, अभी हम लोग मेटलर्जी तक पहुँचे भी नहीं है। करोजन प्रिवेंशन वो तो काफ़ी दूर तक की बात हमने सोच ली, बट मेटलर्जी, बेसिक मेटलर्जी उन्होंने डिलीट कर दी है। कोई टेंशन की भी बात नहीं है, वैसे भी आपको 11, 12 स्टैंडर्ड में मेटलर्जी आती ही है वापस से, तो अगर यहाँ से डिलीट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्या डिलीट हुआ है? बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ना तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिलीट हुई है, ना तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिलीट हुई है, ना ही मेटल्स और नॉन मेटल्स के कोई केमिकल रिएक्शन डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो कतई ऐसा मत सोचना रे वा हम रिएक्शन से बच गए। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अभी आज का ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। अब ऑब्वियसली एक घंटे के में बाद तुम्हारी सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसको कंप्लीट कर लेना और उसके बाद फिर आगे मूव करना। ठीक है, इसको ओवर करते हैं।